आज मैं आपको कुछ शॉर्टकट के साथ अदर नॉलेज भी प्रोवाइड करूंगा, जिसका यूज करके आपको काफी हद तक आसानी होगी। तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम अपनी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए, आपके पीसी में जो टेस्क बार होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पिन होते हैं, तो ये सभी एप्लीकेशन पिन और अनपिन कैसे किए जाते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी हमको अपने टेस्क बार में कंट्रोल पैनल पिन करना है, तो इसके लिए विंडो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कंट्रोल पैनल पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर देखिए, मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पिन टू टेस्क बार पर क्लिक कर देना है। तो अपने टेस्क बार में देखिए, कंट्रोल पैनल का आइकन आ चुका है। अब यहाँ से आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्टकट की से ओपन करना हो तो Win+9 यानी कि विंडो 9 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए, बिना माउस के ओपन हो चुका है। अब इसे बिना माउस के ही क्लोज करने के लिए Alt+F4 यानी कि Alt+F4 को प्रेस करना है। ओके, इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि Win+9 से कैसे ओपन कर लिया। तो दोस्तों, जितने भी प्रोग्राम टेस्क बार में हैं, ये सब सीरियल वाइज हैं। कंट्रोल पैनल हमारा 9 नंबर पर था, इसीलिए विंडो के साथ 9 को प्रेस किया था। इसी तरह विंडो 1 से लेकर विंडो 9 तक किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर टेस्क बार से किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करना है, तो देखिए, जिसको भी अनपिन करना है उसी पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर अनपिन फ्रॉम टेस्क बार कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, कंट्रोल पैनल रिमूव हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम Win+D को सीखेंगे। दोस्तों, विंडो डी एक ऐसी शॉर्टकट की है कि अगर कोई फाइल या फोल्डर खुला है, फिर आप Win+D को प्रेस करेंगे तो जो फाइल खुली होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। उसके बाद जब आप दोबारा से विंडो डी प्रेस करेंगे तो फिर रिफ्रेश होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पीसी में 2 या 3 मॉनिटर कनेक्ट हैं, तो ये शॉर्टकट की उसी के लिए है, जो है Win+P। जैसे अभी हम विंडो पी को प्रेस करते हैं, तो देखिए, प्रोजेक्ट ओपन हुआ। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट। तो अगली हमारी शॉर्टकट की है Win+Q। जैसे अभी हम विंडो क्यू को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, इसी की एक और शॉर्टकट की होती है, जो है Win+S यानी कि विंडो एस का यूज़ करके भी सर्च मेन्यू ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जो शॉर्टकट की सीखेंगे वो काफ़ी यूज़फुल है। देखिए, टेस्क बार में जितने भी एप्लीकेशन हैं, इन सब पर जंप करने के लिए Win+T यानी कि विंडो टी को बार बार प्रेस करके देखिए, एक एक करके सभी पर पहुँचेंगे। जिसको ओपन करना है उसी पर रुकिए, फिर इंटर कर देना है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट। तो अगली हमारे शॉर्टकट की ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन करने के लिए है, जो है Win+U। जैसे अभी हम विंडो यू को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन हो चुका है। फिलहाल अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। तो दोस्तों, इधर देखिए, अभी हम विंडो पर राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हुए। अगर यही सब ऑप्शन बिना माउस के ओपन करना है, तो देखिए, इसके लिए Win+X यानी कि विंडो X को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। ठीक, अब अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और शॉर्टकट जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इससे भी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।